नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी की ट्रूप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है लौकी के तीन भारी जोखिम रोग और उसका प्रबंधन। भाइयों, लौकी की फसल पूरे साल उगाई जाती है और इस दौरान लौकी में कई तरह के रोग लगते हैं जो इसकी उपज को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियों मृदु रोमिल, आसिता रोग, पीला सिरा मोज़ेक रोग, फल सड़न रोग और उसके प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लौकी की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मृदु रोमिल आसिता रोग के बारे में। लौकी के मृदु रोमिल आसिता रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में भूरे रंग में तब्दील हो जाते हैं। ज्यादा नमी की स्थिति में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसे फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। गंभीर मामलों में पूरी पत्तियां पीली पड़कर समय से पहले झड़ जाती हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। अगर आपकी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को खराब होने से बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। रोग को फैलने से रोकने के लिए खेत में नमी का संतुलित स्तर रखें। खेत में नाइट्रोजन की अतिरिक्त खुराक न दें और नाइट्रोजन को 3 भाग में दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंद नाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 2 मिलीलीटर एमिटोक्ट्रेडिन 27% प्लस डाइमेथोमॉर्फ 20.27% SC, 3.50 ग्राम मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG, 2.50 ग्राम फ्लूओपिकालाइड 4.44% प्लस फोसेटिल AL 66.67% WG, 3.75 मिलीलीटर इप्रोवेलिकार 5.5% प्लस प्रोपीनेब 61.25% WP। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हैं। लौकी की फसल को जो दूसरा रोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है पीला सिरा मोज़ेक रोग। लौकी का पीला सिरा मोज़ेक रोग वायरस से होता है और सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण आपको पौधों की नई उभरती पत्तियों पर छोटे छोटे अनियमित पीले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। पौधों की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है और सामान्य से छोटी दिखाई देती है। संक्रमित पौधों पर फूल हरी पंखुड़ियों से विकृत हो सकते हैं। यहाँ तक कि लौकी के फल भी विकृत, छोटे और फीके हो जाते हैं। अगर आपकी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधों और खरपतवारों को नष्ट करें। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए खेत में 25 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 2.50 मिलीलीटर पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथीयूरान 25% SC, 2 मिलीलीटर पायरीप्रोक्सीफेन 8% प्लस डाइनेटोफुरन 5% प्लस डाइफेंथीयूरान 18% SC, 1.50 ग्राम डाइफेंथीयूरान 50% WP, 2.50 मिलीलीटर एफिडोपायरोपेन 5% DC। अधिक कीटनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंत में जानते हैं लौकी को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग फल सड़न के बारे में। लौकी के फल सड़न रोग के प्रकोप से फलों और पत्तियों पर गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बड़े होकर पत्तियां मुरझाकर गिर जाए तब तक फैलते हैं। गंभीर मामलों में ये लौकी के फलों को भी पूरी तरह से सड़ा देते हैं जिससे फल काले पड़कर सिकुड़ जाते हैं। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से संक्रमित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंदनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 1.50 मिलीलीटर टेबिकोनाजोल 25.9% EC, 1.25 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, 1.50 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25% EC। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।